छोटा सा ट्रिप था, लेकिन ये हमें कुछ ऑफर किया है। ये गन्ने का जूस मैं तो खाना खा लिया हूँ, सोचा कि सीधा सीधा निकलूँगा, लेकिन ये पिला रहे हैं तो बात तो मानना पड़ेगा। तो गाइस ये भैया ने हमें 100 कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का ये भैया ने हमें लिफ्ट दिए हैं। और काफ़ी दूर चलने के बाद एक नदी मिली है जिसके बारे में ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये नदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से आसाम, और आज की जर्नी शुरू होने वाली लिफ्ट लेकर बाय हिचकिंग। और ये रहा हमारा बोर्ड, तो फाइनली आगे एक मोड़ है, यहीं से मैं हिचकिंग शुरू करने वाला हूँ। तो बस हाय हाय, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहें और इन्जॉय करते रहें। तो गाइस फाइनली यहाँ से शुरू करता हूँ आज की फर्स्ट लिफ्ट लेना, तो बस वीडियो में आप लोग बने रहें और देखते रहें कैसे कैसे बाय हिचकिंग मैं यहाँ से आसाम जाता हूँ। और इधर के ये लोग कुछ लोग लोकल लोग हैं। आप लोग क्या, ये कौन सा एरिया है? मालागोड़ी। मालागोड़ी से मैं शुरू करने वाला हूँ यहाँ से हिचकिंग। तो ये आज फर्स्ट लिफ्ट मैं यहाँ से लेता हूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। सॉरी ये रही आज की फर्स्ट लिफ्ट यहाँ से मैं लेने वाला हूँ। आज की फाइनली लिफ्ट एक बाइक वाले भैया दिए। आगे कितना किलोमीटर जाएगा? आगे जाएगी तब तक 2 किलोमीटर। मुझे जाना है उधर फुलवाड़ी। आगे तो ओके, आगे 1 मिनट वो आगे जाएंगे ज़्यादा। सॉरी ओके सॉरी। तो गाइस ये लिफ्ट आगे कितना किलोमीटर, फुलवाड़ी जाना है हमें आसाम उधर से। जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। ओके थैंक यू। तो गाइस ये आज की रही फर्स्ट लिफ्ट, 1 मिनट फर्स्ट लिफ्ट। और ये भाई हमें छोड़ेंगे आगे जहाँ तक ये जाते हैं वहाँ तक। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो गाइस फाइनली फर्स्ट लिफ्ट हमें यहाँ तक पहुँचा दी है मोड़ तक। अब यहाँ से सीधा जाती है ये रोड फुलवाड़ी। तो मैं फुलवाड़ी के लिए हिचकिंग के लिए मैं रेडी हो जाता हूँ। कोई हमें लिफ्ट देते हैं यहाँ से तो मैं सीधा फुलवाड़ी जाऊँगा। और बस आप लोग वीडियो में बने रहें और सेकेंड लिफ्ट देखते रहें। लिफ्ट लेता हूँ। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ फिर से एक वही होटल जिस होटल से हमारे तो वो दार्जिलिंग की ट्रिप हुई थी। और इधर से फिर मैं आसाम का ट्रिप शुरू करने वाला हूँ। तो फिर मैं इधर खाना खाऊंगा, फिर आगे की जर्नी शुरू होने वाली है। तो बस वीडियो में आप लोग बने रहें और इन्जॉय करें। तो मैं पहले खाना खाता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली खाना वाना खा लिया और ये बोर्ड लेकर हो गया हूँ रेडी। और यहाँ से होती है आसाम की ट्रिप की शुरू। ये भाई अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, हाई कर दिया। ये देखिए गणेश होटल की ये रहा है अकाउंटेंट। उसके बाद अब यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों सीधा आसाम के रूट में। तो यहाँ से होती है हमारे हिचकिंग की शुरुआत। तो मैं सीधा ये रहा बोर्ड और हिचकिंग की शुरुआत यहाँ से करते हैं। लिफ्ट 1 मिनट। ओए आसाम। ओके थैंक यू। वो बोला अभी टाइम लगेगा। तो गाइस मिल चुकी है आज की फाइनली फर्स्ट लिफ्ट खाने के बाद। और ये भाई साहब हमें लिफ्ट दिए हैं बाइक की। बस छोटा सा लिफ्ट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मिलता हूँ एक बड़े से लिफ्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, इन्जॉय करें। तो गाइस यहीं तक का एक छोटा सा ट्रिप था, लेकिन ये हमें कुछ ऑफर किए हैं। ये गन्ने का जूस मैं तो खाना खा लिया हूँ, सोचा कि सीधा निकलूँगा, लेकिन ये पिला रहे हैं तो बात तो मानना पड़ेगा। तो इनका छोटा सा एक बहुत धन्यवाद जो छोटा सा लिफ्ट दिए और हमें गन्ने का जूस पिला रहे हैं। तो गाइस फाइनली जब खाना खा कर निकला तो एक छोटी सी लिफ्ट मिली, उसके बाद काफ़ी बड़ी सी लिफ्ट मिली जो कि सीधा हमें इधर एक होटल ये है, रेस्टोरेंट है, इधर हमें छोड़ी है। 30 किलोमीटर की लिफ्ट पूरी मिली थी। ये रोड एकदम हाईवे है, सीधा जाता है और मैं इस तरह से लिफ्ट मांगता हूँ, देख रहे होंगे आप जैसे कि।
अगर इधर कोई लिफ्ट देता है तो सीधा सीधा मैं रुकूंगा, लेकिन गाड़ी का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है रहने के कारण लिफ्ट जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमें लिफ्ट मिले और आप लोगों को दिखाऊँगा मैं इधर। तो गाइस ये मिली फाइनली एक लिफ्ट। आगे कितना किलोमीटर जाइएगा, कितना किलोमीटर आगे? 8 किलोमीटर जाऊँगा। कितना? 7। 7 किलोमीटर की ये लिफ्ट मिली है, तो फिर मैं यहाँ से आसाम जाऊँगा, ये सीधा सीधा आगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंकल ने हमें 7 किलोमीटर का लिफ्ट दिए हैं। तो गाइस ये भैया ने हमें 100 कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का ये भैया ने हमें लिफ्ट दिए हैं। और काफ़ी दूर चलने के बाद एक नदी मिली है जिसके बारे में ये किसी पहचान का मोहताज नहीं। ये नदी तीस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैं रुका, सोचा आप लोगों को थोड़ा ये नदी की व्यू दिखाऊँ। और ये रहा सामने हाईवे जो कि NH में आता है, इंटरनेशनल में आता है क्या? इंटरनेशनल हाईवे में ही आता है। और बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा रोड है। और फाइनली फिर चलता हूँ आगे और मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस फाइनली बहुत दूर कवर करने के बाद अभी एक होटल के पास भाई रोके हैं इधर, और ये ऑफ़र कर रहे हैं चाय के लिए, तो मैंने राजी हो गया और इधर एक चाय पीऊँगा। और इन ये भाई रोके हैं इधर, ये ढाबा है, ये एक छोटा सा ढाबा इधर है। तो गाइस फाइनली वो जो भाई थे कोच बिहार इधर सामने छोड़े हमें और वो अपने घर चले गए। उसके बाद से मैं फाइनली आगे की जर्नी इधर शुरू करता हूँ। ये रोड जो है सीधा सीधा असम जाता है, तो भाई ये चेकिंग मैं असम शुरू करता हूँ। उधर ट्रैफिक लगी हुई है, शायद ट्रैफिक हट जाए तो उसके बाद से फिर आगे की जर्नी शुरू होगी। ये कौन सा गांव है? ये कुचबिहार वाला पड़ा, बीएसएफ कैंप। ये सब कैंप है कुचबिहार? हाँ, कुचबिहार बंगाल में मैं आया हुआ हूँ। और ये एक भाई मिले जो कि हमें आगे से लिफ्ट दिए थे, और ये बोले कि इधर मंदिर दुर्गा पूजा के उत्सव पर ये एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, एक खूबसूरत सी दुर्गा माता बैठी हुई है यहाँ पर। और ये भाई पूजा कौन करते हैं यहाँ पर? पूजा कमेटी करते हैं। आप लोग भी सब इधर के? सब कमेटी का है। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। और इस गांव का नाम थोड़ा बता दें। मेरा नाम कृष्ण है। और आपका नाम? बालापारा बीएसएफ कैंप, कोचबिहार। कोचबिहार, ओके। हेलो गाइस, तो कैसे हैं? और जो मैं आप लोगों को मंडप दिखाया था मंदिर, उसके बाद से फाइनली कोचबिहार आज रात स्टे हुआ, उसके बाद से फाइनली आज की जर्नी इधर से शुरू होने वाली है। और मैं आज एक इधर होटल ले लिया था क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा दुर्गा पूजा के वजह से, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पंडाल घिरी पड़ी है काफ़ी, तो शोरगुल और काफ़ी लोग व्यस्त थे, तो मैं कैंपिंग नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली रात में रुक गया, 200 रुपये मात्र कॉस्ट लिए, और एक दिन का स्टे हुआ एक होटल, जैसे कि वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। और इधर से फिर आसाम की जर्नी शुरू होने वाली है, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें कैसा लगा। और ये आसाम की सीरीज बस थोड़ी सी और चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पूरी आसाम की हिचहाइकिंग दिखाऊंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।